मौसम भी काफ़ी ख़राब आ। ये नाल ही असी ब्लॉग का आगाज करते हैं। देखने वाले भैन भरा उम्मीद है कि खरीद दे नाल होंगे। हाँ जी, वो जिहड़ा कपड़ा ना वो भी गिर गया वा, तो उन्होंने भी सैट करने हैं। तो ये नाल ही असी अपने ब्लॉग का आगाज करते हैं। तो छोटी जी रिक्वेस्ट भैन भरावों अगर यूट्यूब चैनल पर इंस्टाग्राम ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सबसक्राइब करना। हाँ जी, सफाई हो रही है। तो बहुत सारे दरख्तों के जड़े ना वो पत्ते नीचे गिरे हुए आ। इस साइड तो सुमेरा ने सफाई कर दी है। यह दरख्तों के जड़े पत्ते, यह देखो किन्नी तेज़ हवा चलती पई है ना, इस वजह तो जड़े देखो होर आई जा रहे हैं। जिन्नी तेज़ हवा चलती है दरख्त पत्ते गिरते हैं, वो सारे नीचे सेंच आ जाते हैं। इन्ना सारा जड़ा ना वो पत्ते सारे दरख्तों के कट्ठे हो गए। हाँ जी, थोड़े मोटे छाप से बिल्कुल सारे हैं। अख च मिट्टी पै गई, मैं देखा। ओए होए होए, ठहर 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 ठहर। चलो जी, काट देता। ओहो, ओए होए होए, जड़ा ना बड़ा मसला बन गया। तेज हवा चलती जिस वजह तो जड़ा ना अख च। चलो कोई गल नहीं। हाँ जी, अख ठीक नहीं हुई अजे। अच्छा अच्छा, फिर डॉक्टर को चलते हैं, डॉक्टर को दिखा के आने हैं। जी, सफाई करते हुए जड़ा ना मट्टी पै गई अख च। मैं तो कहना भी गर्म कपड़े ना फूक मार के जड़ा ना उन्होंने अख नू दियो। अच्छा, तो अख च ठंडे पानी दे छट्टे मार लो। चलो अल्लाह करम करूगा, जड़ा ना दुआ मांगते हैं तेरे लिए। जी, सेन की सफाई करन तो बाद जड़ा ना बेगम ने फैसला लिता है कि मैं कपड़े प्रेस कर ला, तो हूँ वो दिखाने। हाँ जी, बच्चों के कपड़े प्रेस करते पे। हाँ जी, मैं क्या जाना ना मुलाद से, अगर शाम को चले गए तो क्योंकि नाल बच्चों का घर वाला सूट भी बंदा रख लेना, उ जाके बहुत गंदे करते हैं। क्योंकि उत्थे खेलते हैं ना सारे बच्चे इकट्ठे हुए होने, बार बार मिट्टी पवा के आई जाते हैं। फिर मैं उत्थे जाके नवे कपड़े इन्हों घट दें तो पुराने पाँव में ज्यादा दें। हाँ जी, फिर इतने पाने वाले नहीं रेंगे यार। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਮਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਰੇਡੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੂੰਗੀ। ਸਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਆਦਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਆਣੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਿਲਾਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ। गर्मी अगर ज्यादा हुई तो नहीं पता भी जाया जाना कि नहीं जाया जाना, जान छोटा इंतजाम अलग किया मतलब
लेकिन वो भी सारे उत्थे मिक्स होके बैंदे आ गए जिथे रिश्तेदार उठाना होंदा। चलो ठीक। हाँ जी अज बच्चे की फरमाइश से अरबी का सालन बन रहा। हाँ जी अगर काफी दिनों से कह रहे कहते टींडे पका रहे थे अरबी नहीं पाने। अच्छा सही है। हूँ तुम अरबी छिलते पे हो। सही है ठीक। बस फ्रैश है ना इस करके जरा ना जो ज़्यादा हजे नवी नवी है तो कई कई दुकान तो शॉपा तो है ही नहीं सी है रेहड़िया तो नहीं सी है किसी किसी को पई कहते महंगी बहुत आ। हाँ अच्छा जी अरबी जी है ये नमक लगा के रख दिता इन नमक लगा कर किसी अच्छी तरह धो के लैके। अच्छा अच्छा सही है ठीक है। टमाटर सब्ज मिर्च जी है ना वो भी रख ली है कोल ते थोड़ी जी सब्जी बस बच्चे बाहर जेडे है ना मौसम खराब होया होया इल्ला पहले सब कुछ इस तरह हां जी बाहर रख दियो कि अगर मां चाय वगैरह कुछ ले दे तो रस वगैरह खांदे हो जान जी तो पर सब चीज में कोई डोल नहीं। सही अच्छा आज तुसी फ्राई करोगे कि उस तरह बनाओगे ज्यान ते तो फिर इस तरह ही है ना बाहर मौसम बहुत खराब हो गया देखने वाले भैन भरावों ने दुखाई है मौसम भी ते जी उमार पानी छिड़कता पिया वा उमार पानी छिड़कते पे उमार सारा पानी छिड़कता पिया वा मौसम जेड़ा ना बहुत ज़्यादा खराब हो गया इस करके जेड़ा नेरी भी किसी वक्त आ सकती है। एसी जेड़ा ना ऑयल से जड़ी है वो भुनी जाएगी। हाँ जी फ्राई करके निकाल लेंगे फिर तड़का बना के अच्छे जी अच्छी तरह से भी फ्राई करते हैं। अब बच्चों की पसंद का सालन बना रहे हैं किसी वेल पहली दफे बना रहे हैं। अच्छा जी ज़ियान सॉरी ज़ियान कह दिया उमार मट्टी पे पानी छिड़क रहा है क्योंकि मौसम ख़राब है आंधी ना आ जाए तो अदन बेटी इधर ज्ञान को लेकर बैठी हुई है। अदन ज्ञान को नींदी आ रही है बेटा ज्ञान चुप ही नहीं कर रहा। अदन को भी पसीना आ गया इसे पकड़ पकड़ के ज्ञान चुप कर जो अदन अभी छोटी है इसे सालन भी बनाना नहीं आता वरना इसे मैं पकड़ लूँ इतना तंग करता है ना ज्ञान। अदन बेटा इसे नींदी आ रही है इसे पानी ना छिड़को बहुत ही सारा पानी इकट्ठा हो जाना जमा हो जाना नाले ओ मार छापर कुड़ी वाला सेट के ओ बेटा नेरी आ गई देखी। अगन बेटी नाते सुना रही है ज्ञान को चुप करवा रही है देखे कितना मौसम खराब है किसी वक्त भी आंधी आ सकती है अल्लाह करे बारिश आ जाए मौसम ठंडा हो जाए। ये फ्राई हो गई है इसे बाहर निकालती हूँ तड़का बनाती हूँ मोबाइल की चार्जिंग नहीं है इसे चार्जिंग पर लगाती हूँ क्योंकि बाहर आंधी आ गई है बाहर आंधी आ गई है तो क्योंकि बिजली चली गई तो फिर मोबाइल की बैटरी बिल्कुल ही मोबाइल बंद हो जाएगा। अच्छा जी तड़का भी मैंने बना लिया है तो अब मैं इसमें डालती हूँ अरबी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने फ्राई करके निकाली हुई थी अब मेरे एक हाथ में मोबाइल है दूसरे हाथ में दूसरे हाथ से मैं डाल रही हूँ अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसे पानी लगा देंगे ताकि नमक मिर्च अच्छे से मिक्स हो जाए तो चलें ज़ियान बाहर रो रहा है उसे भी देखना है मैंने। अच्छा जी अरबी बन गया बाहर नेरी चल रही है तो मैं हम बना लेनी है रोटियां हाथ ही मार में भुख लगी है कदों का कह रहे मम्मा जी मैंने भुख लगी रोटी बना दो सालन बन गया तो मैं रोटियां बना लेनी है। जी बेटा सही सालन बन गया वो आज खुश है मेरी बेटी जी। चलें ठीक है रोटियां जी जी कल हम लोगों ने बनाएंगे वो जो लंबी लंबी होती है। अच्छा 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 बेसन की जो आलू आलू सीरनी भी कहते हैं वही हाँ जी मम्मी पापा ने कितनी खानी है पूछ ले मम्मी जी पापा कह रहे हैं दो रोटियां खानी है
मम्मा जी हमने नानी के घर जाना है कि नहीं जाना? कब? मुलाद पर है। देखेंगे बेटा, अगर ज्ञान की तबीयत ठीक हुई ना पहले दुआ मांगो, पहले बारिश मौसम ठंडा हो गया। हाँ जी मम्मा, वैसे ही आप शीशे क्यों नहीं खोल रखते? शीशा? कौन सा शीशा? गाड़ी का शीशा क्यों नहीं खोलते? शीशा क्यों खोलना चाहिए? मुझे उल्टी जो आती है। शीशा नहीं खोलते, बाहर से मट्टी आती है और गर्म हवा आती है। मम्मा जी मुझे इसमें बटन क्या हो जाता है? आप जब बैठेंगे ना गाड़ी में टाफियां ले लेंगे, टाफी मुंह में रख लेंगे, फिर उल्टी नहीं आएगी। मुझे मैं छोटे होते भी आती थी। अभी भी आप छोटे हो, अभी आप कौन सा बहुत बड़े? नहीं, जब मैं जियान जितनी होती थी नहीं तब क्यों नहीं आती थी?